Hey guys, very good morning, namaste, और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। सो अभी हम आ चुके हैं बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। सुबह हो चुकी है और प्यारी सी मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। सो रात को निकले थे, 9-10 बजे के आसपास हम फरीदाबाद से निकले थे और रुकते रुकते आराम से हम अभी पहुंच चुके हैं। ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज़ अनदर हेवन, हिमाचल प्रदेश। सो अभी पंछियों की बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं और सामने का जो व्यू बना हुआ सब बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी पता नहीं है कुछ कहाँ जा रहे हैं, शायद मनाली या कुल्लू, कहीं भी आगे जा सकते हैं। सो अभी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ सरप्राइज प्लान है किसी के लिए। सो अभी चलेंगे आगे और आपको जो भी होगा आगे का प्लान आगे दिखाता हूँ। सो पीछे का जो नज़ारा है ना, बहुत औसम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिव ये था, अगर आप भी दिल्ली NCR से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा यहाँ के रूट का बता दूँ कि कैसा ट्रैफिक है या नहीं है। और हम यहाँ हम निकले थे फरीदाबाद से 10 बजे के आसपास, 9 और 10 बजे के आसपास निकले थे और अभी टाइम हो चुका है, अभी कुछ टाइम बच चुका है, 6 बज चुका है और हम थोड़ा बिलासपुर से थोड़ा सा आगे पहुँच चुके हैं। थोड़ा चाय का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे। कुछ प्लान तो नहीं है ऐसा सच क्या कहाँ जाने वाले हैं, बट जो भी होगा आपको दिखाते हैं आगे। और मेन मैं आपको रूट दिखाने वाला हूँ कि क्लियर है या नहीं है। और अगर आप भी यहाँ पे दिल्ली NCR से आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का, तो बेस्ट टाइम है आप रात को निकलिए, मॉर्निंग में आप पहाड़ टच कर दो, अर्ली मॉर्निंग में आप पहाड़ टच कर दो और उसके बाद आपको रूट शायद फ्री मिलेगा। सो अभी आपको दिखाते हैं आगे और चलते हैं। सो वो वाला व्यू जरूर आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे कोयल की आवाज़ आ रही है, सो सुनिए और देखिए आप भी नज़ारा। सो ये है नज़ारा और कोयल्स की आवाज़। सो अभी हम सुंदर नगर से आगे और मंडी पहुंचने वाले हैं, बट यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, काफ़ी चौड़ी हो चुकी हैं, पहले आए थे हम काफ़ी टाइम पहले। सो अभी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी चौड़ी हो गई हैं और ऐसा सच अभी तक हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया है हमें एंड अभी रुके हैं हम थोड़ा सा कुछ करने। सो आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे आपको मंडी दिखाते हैं। सच डिसाइड तो नहीं था कि कुल्लू जाएंगे मनाली जाएंगे, बट अभी डिसाइड हो चुका है, हो गया था कि हम मनाली जा रहे हैं अब।
एंड अभी हम भुंटर जगह पे रुके हैं, थोड़ा भूख लग गई थी तो खाने पीने के लिए कुछ रुके हैं। भुंटर से अभी 50 किलोमीटर और आगे मनाली है, और रोड की बात करें तो मंडी के बाद सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत सारी जगह, कुछ कुछ साइड्स पे अलग 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 जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ जगह सही भी हैं, बट काफ़ी सारी जगह बहुत डस्ट उड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डस्ट उड़ेगा ही, एंड टनल्स बन रही हैं। सो आने वाले टाइम के लिए तो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं रोड, और रूट भी अच्छे होने वाले हैं। बट अभी थोड़ा जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मॉर्निंग में निकलना, जो कि हमारे तरह ट्रैफिक में नहीं फंसो और टाइम से आप निकल जाओ, अदरवाइज़ ट्रैफिक में फंस जाओगे। अगर आप आफ्टरनून निकलते हैं, अभी हम भुंटर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, 10 बज गया है और हम भुंटर पहुंच चुके हैं, और 1.5 घंटे में और हम आगे मनाली पहुंच जाएंगे। सो हम टाइम से निकले थे तभी हम पहुंच पा रहे हैं, अदरवाइज़ लेट निकलेंगे, जितना लेट निकलेंगे उतना आप ट्रैफिक में फंसने वाले हैं, ये कंफर्म बात है। एंड अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, कहाँ पे स्टे करते हैं, क्या करते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है, बस जा रहे हैं ऐसे ही और जाते जा रहे हैं। सो कुछ खाते हैं, अभी पेट पूजा करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। जगह पता नहीं कौन सी है, जगह पता नहीं, पर नज़ारा देखो एंड ये सही कि चलो वहाँ जाना है हमने, सो चलने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक पहुँचते हैं। सो भुंटर में खाना वाना खा के और निकल चुके थे हम 50 किलोमीटर और अपनी जर्नी करने के लिए, और 50 किलोमीटर के बाद हम पहुँच चुके हैं मनाली में। भुंटर से मनाली तक का रूट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, बट मंडी से भुंटर तक का रास्ता थोड़ा सा ऐसे ही है। सो भुंटर तक का देख लेना, भुंटर के बाद मनाली तक A1 सड़क है, A1 क्वालिटी की सड़क है, बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। और मनाली पहुंच गए हैं, अभी मैं आ गया हूँ, गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है वहाँ पे। सो देखते हैं, थोड़ा सा पुलिस वाले ट्रैफिक को क्लीन कर रहे हैं, हिडम्बा टेम्पल के पास ट्रैफिक लग गया है और हिडम्बा टेम्पल के पास ही हमारा रिजॉर्ट है। सो अभी जाएंगे रिजॉर्ट और देखेंगे, आपको विजिट भी कराएंगे वहाँ की प्रॉपर्टी को। बड़ी मेहनतों के बाद और बहुत जल्दी जल्दी करने के बाद मनाली पहुँचे, और होटल जाते हुए पड़ गया ये ट्रैफिक हिडम्बा टेम्पल के पास। ट्रैफिक खूब लंबा ट्रैफिक लग गया। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने रिजॉर्ट होटल, और सो ये हमारा होटल नेम द कैनिफर, और काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। सो दिस इज अवर होटल द कैनिफर। सो चलते हैं अंदर।
ये है बालकनी एंड इस बालकनी से देखिए व्यू, सामने पूरी बर्फ। बालकनी में बैठे हैं। सो बालकनी में आपको मिल जाएंगी दो चेयर एंड एक टेबल मिल जाएगा, बालकनी में बैठ के आप एंजॉय करिए ब्यूटीफुल सीन नज़ारे का एंड पार्क के साथ। सो ये है यहाँ की प्रॉपर्टी एंड इस प्रॉपर्टी को हमने जो बुक किया है वो टोटल 5 लोगों के लिए 6,000 रुपीज़ की। सो दो रूम हैं, एक 202 एंड एक 201। ये था होटल प्रॉपर्टी का टूर एंड ये सफ़र था हमारा दिल्ली एनसीआर से मनाली तक का। इस वीडियो में मैंने आपको रूट के बारे में बताया है कि कहाँ पे रूट सही है और कहाँ पे रूट सही नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो चुका है तो वीडियो को यार लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर कर देना जिससे कि जो भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए एंड वो अपने जो भी अपने उनका ट्रिप प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट ट्रिप प्लान कर पाएँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ी बहुत मेहनत हम भी करते हैं, थोड़ी बहुत हमारी भी मेहनत लगती है। ये था, अब देखते हैं बाकी, नहाते हैं धोते हैं आराम करते हैं और कहाँ जाते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।